बाबडोज में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 11 सालों के बाद आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया था। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के साथ ही भारतीय टीम के तीन दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया टी20 फॉर्मेट से। इसके साथ ही टीम में कप्तान के साथ ओपनर, नंबर 3 और लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर की जगह अब खाली हो चुकी है। इस वाक्य को अब एक सप्ताह हो चुका है और अब ये टीम एक नए सफर पर निकल चुकी है। भारत की एक नई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई है और बीसीसीआई यहीं से तीनों का विकल्प तलाशने की कोशिश में लगा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जद्दोजहद जो होनी है वो है टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी को लेकर। शुभमन गिल पहले ही अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। टी20 और वनडे फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक शानदार बल्लेबाजी की है और टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है और लगातार भारतीय टीम का ये खिलाड़ी हिस्सा भी रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में उनका बल्ला खामोश था जिसके कारण उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की मेन स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई थी। अब उनके पास एक बार फिर से अपना दम दिखाने का मौका है। इस दौरे पर वो पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी भी करने वाले हैं। अगर वो अच्छी बल्लेबाजी के साथ अच्छी कप्तानी करते हैं तो टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ा दावेदार वो बन सकते हैं। 5 मैचों की सीरीज में कामयाबी के साथ वो पहले से ही कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार हार्दिक पांड्या का भी नुकसान करा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पांड्या की इंजरी है। पांड्या अक्सर अपनी इंजरी की वजह से बाहर होते रहते हैं। ऐसे में बीसीसीआई को रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए एक मजबूत विकल्प की जरूरत है। गिल फिटनेस से लेकर बल्लेबाजी तक बीसीसीआई के सभी पैमानों पर फिट बैठते हैं। इसके अलावा वो कम उम्र में ही भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। शुभमन गिल पहली बार इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम इंडिया की कप्तानी करने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने आईपीएल 2024 में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात टाइटंस की भी कप्तानी संभाली थी। ये सीजन कप्तानी के लिहाज से उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्हें केवल 5 मैचों में ही पूरे सीजन में जीत मिल पाई जिसके कारण वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके पहले वो अंडर 19 में भी टीम इंडिया के उपकप्तान थे। वहीं 2019 में घरेलू क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी इंडिया ब्लू टीम के भी वो कप्तान बन चुके हैं। उन्होंने देवधर ट्रॉफी में इंडिया सी टीम की भी कप्तानी की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की जगह लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे। टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने भी ओपनिंग की, अब वो टी20 में भारतीय टीम के लिए ओपन करना चाहते हैं। हालांकि गिल के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों के स्तर को मैच करना काफी मुश्किल है, लेकिन वो बिना दबाव के इन चुनौतियों को पार करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे।